नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube की कक्षा साइंस में। और आज हम सीखेंगे जीवाणुओं के प्रकार। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको हम पहले कैसे जान सकते हैं, इनके आकार व अमाप के आधार पर इनको समझा जा सकता है। किस अमाप व आकार के आधार पर। और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो इनसे पिछली वीडियो है उनको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख सकती हैं। तो हम देखते हैं इनका अमाप। किन का अमाप? जीवाणुओं का अमाप देखते हैं, कितने अमाप के होते हैं। तो ये सूक्ष्म अमाप के होते हैं। पहले तो सबसे पहले यह है कि सूक्ष्म अमाप के होते हैं, और सामान्यतः जीवाणु कोशिका का व्यास इनका सामान्यतया जीवाणु कोशिका का व्यास, जो व्यास होता है वो 0.2 से लेकर 1.5 μm होता है, तथा इनकी लंबाई, जो लंबाई होती है वो 2 से 10 μm तक होती है। ठीक है। और सबसे छोटा जीवाणु यू बैक्टीरियम, इनमें जो होता है सबसे छोटा जीवाणु यू बैक्टीरियम, यू बैक्टीरियम डायलिस्टर, डायलिस्टर डायलिस्टर न्यूमोसी टिस। क्या है? सबसे छोटा जीवाणु होता है यू बैक्टीरियम, वो डायलिस्टर न्यूमोसी मोसी टिस होता है, न्यूमोस्टिस। और जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा जीवाणु होता है वो होता है बेगियोटोआ मिराबिल्स, बेगियो टोआ मिराबिल्स, ये सबसे बड़ा जीवाणु होता है। ठीक है। अब इनका देखते हैं आकार। चलिए, आकार, आकार इनके निम्नलिखित है जो बता रहा हूँ। गोलाणु या कॉक्स जीवाणु, ये लेते हैं पहला। इसमें देते हैं गोलाणु या कॉक्स जीवाणु। गोलाणु या कॉक्स जीवाणु, इनकी परिभाषा देखते हैं। इस प्रकार के जीवाणु गोलाकार या अंडाकार होते हैं। प्राय जीवाणु में यह सबसे छोटे होते हैं। तो लिखते हैं, इस प्रकार के जीवाणु
जीवाणु, अंडाकार या गोलाकार होते हैं। ठीक है, प्राय यह जीवाणु सबसे छोटे होते हैं। जो गोलाणु या कॉक्स जीवाणु होते हैं, ये सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। ठीक है, तथा इनमें कशुंभिकाएं अनुपस्थित होती है। तो इनको देखते हैं, तो ये किस प्रकार के होते हैं? इनके निम्न प्रकार है, माइक्रोकोकाई। पहला देखते हैं माइक्रोकोकाई। माइक्रोकोकाई जीवाणु होता है। इस प्रकार के जीवाणु सरलतम होते हैं, जैसे माइक्रोकॉक्स एकिलिस। इस प्रकार के जीवाणु सरल होते हैं, सरल होते हैं। उदाहरण है माइक्रोकॉक्स एगिलिस, माइक्रोकॉक्स एलिगिस। ठीक है, और अगला देखते हैं, दो नंबर, ये डिप्लोकोकाई है। ये गोलाणु जोड़ी में रहते हैं, मतलब गोल होते हैं पर ये जोड़ी में रहते हैं, एक जोड़ा बनाकर रहते हैं। ये इनको क्या कहते हैं? डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई ये गोलाणु जोड़ी में रहते हैं। उदाहरण है डिप्लोकॉक्स निमोगी, डिप्लोकॉक्स निमोगी और तीन नंबर देखते हैं, टेंट्राकॉक्स। टेंट्राकॉक्स ये जीवाणु किस प्रकार के होते हैं? ये गोलाणु चार चार के समूह रहते हैं। ये जीवाणु गोलाणु के चार चार के समूह में रहते हैं। उदाहरण है, उदाहरण देखिए, डिप्लोकॉक्स सॉरी नाइसीरिया, नाइसीरिया और एक और भी है, इसको माइक्रोकॉक्स टेंट्राजिन्स कहते हैं। लिखते हैं माइक्रोकॉक्स, माइक्रोकॉक्स टेंट्राजिन्स। ठीक है, और अगला चार नंबर देखते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई
ये जीवाणु होते हैं, ये गोलाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला या जंजीर सी बनाते हैं। ये जीवाणु गोलाणु एक दूसरे से जुड़कर जंजीर सी या जंजीर की तरह श्रृंखला बनाती हैं बनाते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण इनका उदाहरण है स्ट्रेप्टोकॉक्स लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकॉक्स लैक्टिस, और पांच नंबर देखते हैं इसमें क्या है, स्टेफाइलोकोकाइस। इस प्रकार के जीवाणु कैसे होते हैं, स्टेफाइलोकोकस इनको देखते हैं। ये गोलाणु की कोशिकाएं झुंड या अंगूर के गुच्छे के समान रचना बनाती है। ये गोलाणुओं की कोशिकाएं झुंड या अंगूर के समान, जो अंगूर का गुच्छा होता है उसके समान रचना बनाती है। उसके समान रचना बनाती है। उदाहरण है, उदाहरण देखिए, स्टेफाइलोकॉक्स ऑरियस, स्टेफाइलोकॉक्स ऑरियस, और छठा देखते हैं सार सीनी। इसमें 8 से 64 गोलाणु कोशिकाएं घनाकार के रूप में व्यवस्थित होती हैं। इसमें 8 से 64 गोलाणु कोशिकाएं घनाकार के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण है सार सीनी ल्यूटिया। ये तो थे जो माइक्रोकोकाई, डिप्लोकोकाई, टेंट्राकोक्स और स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई और सारसिनी। ये तो गोलाणु या कोक्स जीवाणु थे जो आकार में सबसे छोटे होते हैं, ठीक है, और इनमें कशंबिकाएं भी अनुपस्थित होती हैं। और अब देखते हैं हम बेसिलियस या छड़ाकार जीवाणु ये कितने प्रकार के होते हैं।
बेसिलिस या छड़ाकार जीवाणु ये किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए, इन जीवाणुओं की आकृति छड़, इन जीवाणुओं की आकृति छड़ाकार या दंडाणु के समान होती है, ठीक है। और इनके सिरे गोल, चपटे या नुकीले होते हैं। इनके जो सिरे होते हैं वो गोल, नुकीले और चपटे होते हैं, चपटे होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहला है एकल दंडाणु या मोनोबेसिलस, दूसरा है डिप्लोबेसिलस और तीसरा है स्ट्रेप्टोबेसिलस। तो हम पहले की ओर चलते हैं, एकल दंडाणु या मोनोबेसिलस। एकल दंडाणु या मोनोबेसिलस। तो इस प्रकार के जीवाणु एक छड़ाकार जीवाणु कोशिका जो एकल रूप में पाई जाती हैं, एक छड़ाकार जीवाणु कोशिका जो एकल रूप में पाई जाती हैं। उदाहरण है, उदाहरण देखिए, बेसिलस, और दूसरा देखिए, दूसरे की ओर चलते हैं, ये है डिप्लोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस। इस प्रकार के जीवाणु जब दंडाणु दो समूहों या युग्म, युग्म के रूप में मिलते हैं, डिप्लोबेसिलस जीवाणु कहलाते हैं। तो उदाहरण देखिए इनका, उदाहरण है डिप्लोबेसिलस निमोनी, डिप्लोबेसिलस निमोनी। और तीसरे प्रकार के जीवाणु की तरफ चलते हैं, स्ट्रेप्टोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस। इस प्रकार के जीवाणु देखिए, जब बेसिलस जीवाणु, श्रृंखला में पाए जाते हैं,
ट्रेप्टोबेसिलस जीवाणु कहलाते हैं। इनके उदाहरण देखिए, उदाहरण है बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस। बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस स्ट्रेप्टोबेसिलस के उदाहरण हैं। दो फिर से देखिए, बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस ये स्ट्रेप्टोबेसिलस के उदाहरण हैं। तो ये थे बेसिलस या छड़ाकार जीवाणु। तो अब देखते हैं सर्पिल या कुंडलित जीवाणु। इनको देखिए, सर्पिल या कुंडलित जीवाणु। गया नंबर सर्पिलाकृति या कुंडलित जीवाणु ये किस प्रकार के होते हैं? तो ये इन देखिए, इन जीवाणुओं की आकृति सर्पिल या कुंडलित होती है। इन्हें स्पाइरिलम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्पाइरिलम भी कहा जाता है। प्राय ये एकल कोशिकीय, एकल कोशिकीय स्वतंत्र इकाइयों के रूप में पाए जाते हैं। ये कशाविका युक्त होते हैं। ये कशाविका युक्त होते हैं। इनके उदाहरण हैं, उदाहरण हैं पाइरिलम माइनस स्पाइरिलम माइनस और स्पाइरिलम बोलुटेंस ये सर्पिल या कुंडलित जीवाणु के उदाहरण हैं। कौन कौन से? स्पाइरिलम माइनस और स्पाइरिलम बोलुटेंस। और अब देखिए विब्रियो या कोमा जीवाणु। विब्रियो या कोमा जीवाणु इनके बारे में देखते हैं। विब्रियो या
कोमा जीवाणु, ये जीवाणु कोमा या छोटी घुमावदार आकृति के होते हैं। ये जीवाणु कोमा या छोटी घुमावदार आकृति के होती हैं, ठीक है। इनके सिरे पर कशाबिका उपस्थित होती है। इनके इनका जो सिरा होता है उस पर सिरे पर कशाबिका उपस्थित होती है, ठीक है। उदाहरण देखिए, उदाहरण है विप्रियो कोलेराई, विप्रियो कोलेराई, ये विब्रियो या कोमा जीवाणु का उदाहरण है विब्रियो कोलेराई। और अब हम देखेंगे तंतुमय जीवाणु। तंतुमय जीवाणु तंतुमय जीवाणु ये जीवाणु मूलतः बेसिलस प्रकार के होते हैं। जो बेसिलस जीवाणु होते हैं, जिन मोनोबेसिलस या एकल दंडाणु होते हैं, उस प्रकार के जीवाणु होते हैं जो लंबी श्रृंखला के रूप में वृद्धि करते हैं, ठीक है। एवं नलिकाकार आवरण से ढके होते हैं, एवं नलिकाकार आवरण से ढके होते हैं। ये जीवाणु आवरण में ही विभक्त होते हैं। ये जीवाणु आवरण में भी विभक्त होते हैं। उदाहरण है इनके, उदाहरण देखिए, लेप्टोथ्रिक्स और क्लेडोथ्रिक्स एवं बेगिटोवा। इस प्रकार के जीवाणु प्राय लोह युक्त जल में पाए जाते हैं। जो जिस प्रकार लोह के पात्र में जल होते हैं, उस प्रकार के जल में ये पाए जाते हैं। और अब देखते हैं बहुरूपी जीवाणु। बहुरूपी जीवाणु
कुछ जीवाणु बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपनी आकृति व अमाप को परिवर्तन करती हैं, अतः इन अस्थायी परिवर्तनों के फलस्वरूप ये जीवाणु एक से अधिक प्रारूप में पाए जाते हैं। ये जीवाणु वातावरण के अनुसार अपनी आकृति व अमाप में परिवर्तन करते रहते हैं वातावरण के अनुसार, अतः इन परिवर्तनों के फलस्वरूप ये जीवाणु एक से अधिक प्रारूपों में पाए जाते हैं। उदाहरण देखिए, इनके उदाहरण है एसिटोबैक्टर, इनका उदाहरण है। धन्यवाद दोस्तों, अगर यह वीडियो आपका अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।